हाई स्कूल में 57 बूथ थे, अब 57 बूथ यहाँ पे कितनी कुर्सी है? अगर मैं सबको अगर जानता हूँ, अगर मुझे आसिफ में कुछ स्कूल जाएगी मैं कौन समझता हूँ, ऐसा देख कर आप वहाँ केंद्र के अंदर आके होकर परेशान हो जाता 57 फुट के बीच में खड़े रहते मालेगांव वालों, जबकि आपको मालूम कम पढ़े लिखे लोग हैं और जो पढ़े लिखे उर्दू पढ़ जानते हैं, तो वो लोग जब बूथ देख रहे थे, ऊपर देखना, नीचे देखना, इधर देखना, उधर देखना, चारों तरफ बूथ ही बूथ थे, अब वो देख रहे थे, तो उनकी मदद के लिए अगर कोई बोलता था सर एडवोकेट हिदायतुल्लाह का सक्का भांजा वो वोट दे के निकालता था, किसी ने उसको पूछा भैया नंबर कहाँ है, ऐसा देखा वैसे देख रहा था, पुलिस आई उसको बोले क्या कर रहा था, पूछ रहे तो उनको बता रहा बताओ कि दो गट के अंदर मालेगांव में झगड़े हुए, एक अभी बूथ बंद हो गए, एक बता दो। मतदाताओं को वंचित नहीं रखा जाएगा, उसके लिए जो भी उपाय योजना जो भी जरूरत करना होगी वो पूरी की जाएगी, चाहे वो नक्सली इलाका हो, चाहे वो कश्मीर की पहाड़ी का इलाका हो, चाहे वो आदिवासी इलाका हो, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, सभी तरफ को मतदाता वंचित ना रहे, महरूम ना रहे, इसके लिए साफ और अच्छा मतदान कराया जाएगा, ऐसा उन्होंने स्पष्ट रूप से घोषणा की। कल जो पूर्णिया लोकसभा का मतदान यहां पर पूरा हुआ और उन्होंने पूरा प्रचार कांग्रेस पक्ष के माध्यम से मालेगांव और धुलिया लोकसभा के अंदर कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों ने मिलकर, हमारे कैंडिडेट ने मिलकर हम लोगों ने प्रचार किया और आवाम को ज्यादा से ज्यादा मतदान करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मतदान में भाग लेना चाहिए, ऐसा विनती, ऐसा प्रचार, ऐसा वातावरण बनाने का पूरा पूरा हम लोगों ने प्रयत्न किया। मालेगांव विधानसभा 114 मध्य, इस मध्य क्षेत्र के अंदर जो मतदान पूरा हुआ उस मतदान में 50.30 जो मतदान हुआ है वो कम मतदान हुआ है। हमारी अपेक्षा थी कि मतदान ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, इसके लिए पूरा भारतीय चुनाव आयोग के आदर्श आचार संहिता का पूरा पालन करते हुए जो भी अधिकार उन्होंने राष्ट्रीय पक्षों को दिए थे उसके आधार के ऊपर हम लोगों ने ये कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा मतदान होना, लेकिन अपेक्षा से कम मतदान मालेगांव के अंदर मध्य के अंदर हुआ। हमने उसका कल से बहुत कारण ढूंढने की पूरी कोशिश की, क्या कारण हुआ ऐसा जो मतदान कम हुआ, ना हम कम पड़े या प्रशासन की कोई गलती है क्या या मतदाताओं की कोई गलती है क्या, ऐसा सब हमने पूरा उसका चर्चा करे और चर्चा करने के अंदर हमने कई बातें हमारे सामने आई। मैं मालेगांव शहर के मतदाताओं को, वोटरों को इसका दोष नहीं देना चाहता हूं, उन्होंने भाग लेने के लिए, मतदान डालने के लिए अपने अपने पोलिंग स्टेशन के ऊपर, पोलिंग बूथ के ऊपर पहुंचने का पूरा पूरा प्रयत्न मालेगांव शहर की जनता ने किया, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन उसके कारण बहुत सारे सामने आए। पहला कारण तो ये है
कि जानबूझकर प्रशासन ने सरकार के दबाव के अंदर सरकार की दबाव में सरकार से मिली भगत करके प्रशासन ने मालेगांव शहर का मतदान कम होना चाहिए इसके लिए कई उपाय योजना की थी ऐसा मेरा स्पष्ट आरोप है। इसका कारण है मैं समझता हूं कि मालेगांव नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में सबसे बड़ा हमारा जो सेंटर था मतदान का सबसे ज्यादा बूथ जहां पर थे मालेगांव में वो था मालेगांव हाईस्कूल बड़ी मालेगांव हाईस्कूल उसमें 57 बूथ थे लेकिन उन्होंने ग्राउंड फ्लोर के ऊपर स्कूल के कमरे का यूज किया उसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं लेकिन फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो उन्होंने मतदान किया मतदान केंद्र रखा बूथ रखा वहां पर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो बुजुर्ग मतदाता थे जो बीमार थे जो हैंडीकेप थे जो लोग ऊपर नहीं चढ़ सकते थे बुजुर्गों ऊपर दादर नहीं चढ़ सकते थे ऐसे लोगों ने ऊपर नहीं जा पाए और ये कारण था लोग अपने घर पे वापस चले गए एक रीजन है कि उस मतदान वो कम हुआ। दूसरा स्कूल नंबर 65 सर्वे नंबर 65 मराठी और उर्दू शाला है वहां पर भी उन्होंने फर्स्ट फ्लोर के ऊपर मतदान पेटी रखी वहां पर भी ऐसी ही परिस्थिति थी। हीरा स्कूल जो सुपर कॉलोनी आयशा नगर के सामने है वहां पर भी उन्होंने फर्स्ट फ्लोर के ऊपर केंद्र लेके गए और वही कारण है कि बुजुर्गों लोग वहां नहीं जा पाए और इस कारण से मतदान कम हुआ। और ऐसे मालेगांव के अंदर बहुत सारी जगह है जहां पर इन्होंने फर्स्ट फ्लोर के ऊपर ले गया और जानबूझकर मेरा स्पष्ट आरोप है कि जानबूझकर प्रशासन ने ऐसा किया कि मालेगांव शहर का मतदान कम हो। प्रशासन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दबाव में इसलिए ऐसा किया गया। दूसरी बात कि जो हमारी जो मतदान यादी थी उस मतदान यादी के अंदर बहुत सारा गोंधल किया गया। हजार गोली की वोट गोल्डन नगर में डाल दी गई रौनकाबाद की वोट राजानगर में डाल दी गई आजाद नगर की ओर आने एक एक किलोमीटर आधा आधा किलोमीटर के अंतर के ऊपर दूसरे यादियों के अंदर डाल दी गई ऐसा गोंधल किया गया कि समय के ऊपर वो स्लिप नहीं पहुंच पाई ढूंढ नहीं पाए और ये कारण भी है जो मतदान कम हुआ। या बीएलओ जब अगर राजकीय पक्ष के कार्यकर्ता जो अनुभव रहता है उनको जो तजुर्बा रहता है या स्लिप बांटने का वो नहीं पहुंच पाए तो जो बीएलओ जो सरकारी बीएलओ थे जिनको ड्यूटी लगाई गई थी वो कहां से पहुंच सकते थे वो भी नहीं पहुंच पाए और वो तो बस वो लास्ट के दिन मतदान के दिन साइड के अंदर खड़े थे उनको तो कोई पहचान ही नहीं रहता कि ये बीएलओ है। सर्वे नंबर 55 में गया तो बेचारा एक आदमी अपने बैग में ऐसी बैग थी वो बैग के अंदर लेके खड़ा हुआ था टोपी पहन के मैं गया मैंने तू क्यों है गड़ा बोला मैं बीएलओ है मैंने टेबल लगा हुआ इसमें बैनर लगा ताकि लोगों को आएंगे तो मालूम पड़ ले होना तो ये कारण से बीएलओ लोगों को भी भाई कहता उन्होंने जानबूझ के बोला इसलिए फॉर्मेलिटी नहीं हुआ लोगों तक स्लिप नहीं पहुंच पाई गोंधल हुआ कई लोगों के नाम उस मतदान यादी के अंदर कई लोगों के नाम डिलीट कर दिए जानबूझ के जो जिंदा आदमी है मेरे पास ऐसे अनेक पुरावे हैं जो
आदमी जिंदा है, उसका घर अभी भी है, उसके भी नाम डिलीट कर दी गई। यदि भी डिलीट वजह ऐसे हजारों, हमारे घर का भी डिलीट हुआ, हाँ हजारों लोग हैं जो डिलीट कर दिए गए नाम, जबकि वो जिंदा है। वो परेशान है कि मेरा नाम कहाँ चले गए, कई लोग के नाम काट दिए गए। तो ये गोंधल हुआ, इसके लिए मतदान कम हुआ। दूसरा रीजन ये है कि हमें बताया जाता है यादी के ऊपर के स्कूल नंबर उर्दू शाला क्रमांक 64 दत्त नगर, ये यादी है मेरे पास उर्दू ये यादी है। यहाँ पर तुम्हारा ये शाला क्रमांक 64 है, ये 64 के अंदर तुम जाकर मतदान तुमको करना है। दत्त नगर में उर्दू घर जहाँ बन रहा वहां पर ये स्कूल है, और उनकी जो बीएलओ की स्लिप है, बस समझ लो ये बीएलओ ने जो बांटे हुए स्लिप है, ये स्लिप के ऊपर भी 64 नंबर उर्दू शाला लिखा गया यादी के अनुसार। अब मुझे बताओ आप, मेरा एकदम सवाल है निवडणूक आयोग से, निवडणूक आयोग से सवाल है, अगर जब तुमने शाला नंबर डाल दिए तो वहीं पे मतदान पेटी रहने होना था, बीएलओ ने स्लिप बांट दी वहीं रहना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्या करे आईडीपी बिल्डिंग के अंदर मतदान केंद्र पेटी ट्रांसफर कर दी एंड टेम्पर। ये आईडीपी बिल्डिंग का पूरा नकाशा है, उनके ही नक्शा है। ये यादी क्रमांक 131 है, ये 131 का नाप है, 131, 132, 133 हो, ये सब यादें मेरे पास है जो आईडीपी एकदम लास्ट मोमेंट के ऊपर। जब सुबह जब जा रहे सब देखने के लिए मतदाता जा रहे, वहां तो मालूम पड़ रहा है उधर है तुम्हारी पेटी 131, 132। और ये जो बीएलओ ने स्लिप बांटी वो स्लिप भी वही हिसाब से अनुसार बटी, और उसके बाद ये जो है ये भी आईडीपी में डाल दिए, इसको चेंज है पेटी वहां डाल दी। ये कहां से मतदान बढ़ेगा, ये कौन सी साजिश थी जो लास्ट मोमेंट के ऊपर लास्ट समय के ऊपर इन्होंने ऐसा किया। और इसी तरीके से डिपू के अंदर भी ऐसे ही प्रश्न ऐसे ही आया है। तो ये भी एक कारण है कि जो मालेगांव शहर का मतदान कम हुआ। और इसके अंदर स्पष्ट रूप से मैं ये बोलना चाहूंगा कि प्रशासन सरकार के निवडणूक आयोग उनके यहाँ के अधिकारी, निवडणूक आयोग मंजे धुलिया लोकसभा के जो अधिकारी वर्ग इस सिस्टम को संभाल रहे थे, ये लोग प्रशासन के शासन के शासन के दबाव में प्रशासन ने विशेष रूप से अल्पसंख्यक शहर समझ के, अल्पसंख्यक मतदार संघ समझ के, विशेष रूप से अल्पसंख्यक समाज मुस्लिम समाज इस मतदान से वंचित रहे, इससे महरूम रहे, वोट ना डाल पाए, और इसके लिए इस तरीके की साजिश टेक्निकली तौर पर रची गई और इस कारण से मतदान हमारा कम हुआ। उसके बाद मैं किसी व्यक्तिगत रूप से पुलिस डिपार्टमेंट का कोई भी अधिकारी का नाम नहीं लूंगा, या मैं किसी के ऊपर व्यक्तिगत मेरा आरोप नहीं है। इसमें जहां एक तरफ महसूल डिपार्टमेंट जो सिस्टम संभाल रहा था, अधिकारी संभाल रहे थे, या दूसरे अलग अलग डिपार्टमेंट के, वो तो सरकार के दबाव में उन्होंने काम किया है, लेकिन उसके अंदर पुलिस डिपार्टमेंट भी कहीं कम नहीं है, पुलिस डिपार्टमेंट भी बिल्कुल कहीं कम नहीं है। मुझे ऐसा लगता, मेरा भी स्पष्ट आरोप है कि मुझे लगता कि बाकायदा सरकार के दबाव में पुलिस डिपार्टमेंट की पूरी पूरी यंत्रणा ने कल दुरुपयोग किया है, और विशेष रूप से मालेगांव मध्य क्षेत्र के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट का रूल भी शक के दायरे के अंदर आता है। उसका कारण है, कारण नंबर एक, हमने 20 परमिशन लिया था कि जहां जहां हमारे सेंटर है, जहां हमें बूथ दे रहे हैं, 880 स्कूल एग्जाम्पल, तो हमने बाहर मंडप होना चाहिए, पंडाल होना चाहिए, वहां टेबल लगेगा, वहां यादी रहेगी, वहां स्लिप रहेगी, जो वोटर आएंगे तो उनको हेल्प करने के लिए परमिशन लिया था, आएगा था पैसा भर के परमिशन लिया था। इसी तरीके से आज बड़ी मालेगांव स्कूल के बाहर मंडप लगाया हुआ गया था, वहां पर हमारे कार्यकर्ता स्लिप वाटअप कर रहे थे, हमारे कार्यकर्ता वहां पर यादि लोगों की मदद कर रहे थे, पवारवाड़ी सेक्शन के पुलिस ऑफिसर और कुछ पुलिस अधिकारी
सुबह में 9:30 के आसपास की घटना है, इन्होंने वहां पर डायरेक्ट अटैक किया, यादें ले लिए, स्लीपा उठा लिए और दम दांडी करने का काम किया और वहां से उनको अकाल दिया, वहां से उनको अकाल दिया। मैं वहां पर ऑन द स्पॉट में पहुंचा, मैंने वहां के जो पुलिस वाले जो पीछे उनसे बोला कि आपने क्यों उठाया, बोले हमको अलाउड है उसके ऊपर फोटो नहीं होना, उसके ऊपर ये नहीं होना। ठीक है, फोटो नहीं होना, स्लिप नहीं होना, सिंबल नहीं होना, ठीक है, तुम बोलो, रिक्वेस्ट करो कि बाबा तुम ये मत रखो, अगर गैर कानूनी हम कर रहे हैं या हमको ये उल्लंघन कर रहे हैं तो बोलना चाहिए, रिक्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन किसी को डायरेक्ट उठा लेना और उसको गाली गलौज करना, उसको डराने का कोशिश करना, वातावरण बिगाड़ने की कोशिश करना, ये उचित नहीं था। और मेरा ऐसा मानना है कि अंदर अगर पुलिंग के अंदर जहां पर मतदान होता है अगर वहां पर अगर वो स्लिप जाती है तो वो प्रोसाइडिंग ऑफिसर जो होगा, जो वहां के अधिकारी होंगे, तो उन्होंने बोलना था ये नहीं चलेगा, इसको बाहर करो। पुलिस का सिर्फ जवाबदारी है कि लैंड ऑर्डर, पुलिस की जवाबदारी होती है सिर्फ लैंड ऑर्डर का मेंटेन रखना, लैंड ऑर्डर बरकरार रखना, शहर के अंदर कोई दंगा फसाद नहीं होना, कई दो पक्ष के आपस के अंदर लड़ाई नहीं होना, है ना। सिर्फ पुलिस का इतना ही काम है, इंटरफेयर करने का पुलिस का काम नहीं था। ये एक कारण हुआ कि लोगों ने के अंदर दहशत निर्माण हुई और मतदान कम हुआ। दूसरी बात, बड़ी मालेगांव हाई स्कूल के ऊपर 57 बूथ थे, 57 बूथ के ऊपर ताज्जुब इस बात का हुआ कि जब मतदाता बड़ी मालेगांव स्कूल के गेट के ऊपर अंदर एंट्री कर रहे थे, दो गेट है वहां पर में, दोनों मेट दो 57 बूथ के वोटर जब उसके अंदर एंट्री कर रहे थे तो सिंपल बात है, क्या काम था, अगर इसके पास स्लिप है हाथ में, इसके पास डॉक्यूमेंट है, वो अंदर जाएगा, जो पेटी बूथ नंबर होगा वहां जाएगा, वो लाइन लगाएगा, अगर बोगस है तो प्रोसाइडिंग ऑफिसर वहां रोक देगा कि तुम बोगस आदमी, तुम बाहर जाओ, या पुलिस के ताबे में देगा, यहां तक भी हम मान नहीं सकते। ये कौन सी पद्धत है, ये कौन सी पद्धत है कि बड़ी मालेगांव स्कूल और पूरे मालेगांव शहर की पुलिस बूथ के ऊपर पुलिस डिपार्टमेंट के लोग गेट के ऊपर खड़ा रहेगा, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग यादि चेक करने का राइट किसने दिया, पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को आईडी प्रूफ चेक करने का राइट किसने दिया, पब्लिक को हकालने का राइट किसने दिया, कल निकल वहां से लोगों को, मतदाता को दहशत निर्माण करने का काम पुलिस को किसने दिया, पुलिस का कोई राइट नहीं बनता। और पुलिस डिपार्टमेंट के 20 अधिकारी मेरी आंखों से देखा, 20 अधिकारी, मैं समझता हूं कि 2-3 मीडिया के लोग भी वहां पर इस बात के गवाह है, यहां पर ये जाहिद अख्तर बैठे हुए हैं, शहजाद अख्तर बैठे हैं, अयूब खान बैठे हुए, ये सब लोग थे, जब एक इधर से 10 पुलिस, इधर से लेडीज पुलिस और 20 पुलिस के बीच में से कौन सा मतदाता जाएगा, क्यों उसका तुमने आईडी प्रूफ तुम चेक कर रहे हो, तुम क्यों पोलिंग बूथ तक उसको नहीं जाने दिए गए। इसके अंदर पुलिस के ऊपर भी शक निर्माण हो रहा है और इसके लिए दबाव है, ऐसा मेरा स्पष्ट आरोप है। और सिर्फ वो बड़ी मालेगांव स्कूल के अंदर नहीं किया गया, ये प्रत्येक पुलिस तरफ किया गया, इसके लिए कारण है कि ये लोगों को वंचित रखा गया मतदान देने से और ये कारण है उसको मतदान हमारे गिरा। इसके बाद एटीटी हाईस्कूल में पुलिंग होती, नेहल नगर के लोग यहां आ रहे, सलीम नगर के लोग यहां पर आ रहे, मराठी स्कूल के अंदर उर्दू कॉलोनी के लोग का मतदान चल रहा, मच्छर नगर के लोगों का, गणेश नगर के लोगों का मतदान 14 नंबर स्कूल के अंदर चल रहा। यहां पर बायदा पुलिस डिपार्टमेंट के जो भी ऑफिसर थे या पुलिस वाले थे, बायदा पब्लिक को मारने का काम, पब्लिक को हकालने का काम किया गया। और जब जब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुभाष भामरे जब जब आए पोलिंग बूथ के ऊपर,
उन्होंने जब जब पुलिस को छापा फोन किया ना तो बोला मैं मेरा तो आरोप है कि इन्होंने फोन का डिटेल निकालना चाहिए डॉक्टर भामरे का कि उन्होंने कौन से वरिष्ठ अधिकारियों को फोन करा और उसके बाद यहाँ के लोकल ऑफिसर आते थे और उसके बाद पूरा तहस नहस करके पब्लिक को हकालने का काम उन्होंने किया यहाँ पर भी किया। मैं तो मेरा आरोप है कि सिटी पुलिस स्टेशन की हद्दी के अंदर सब तरफ लोगों को परेशान करने का काम और रोकने का काम किया गया और यहाँ पर एक नंबर स्कूल के अंदर अभी तुम बोले तो मैं उसको बुलाऊंगा वाले बिल्डर नाम का व्यक्ति है 90 साल की उसकी दादी को 90 साल की कैसी बुजुर्ग चल सकती गेट के ऊपर रोक दिए गए बोले बड़ी भी अकेली जाएंगी 90 साल की औरत कैसे अकेली जाएंगी जो चल नहीं पाती उसको उठा के लाए तो उसने वहां पर उससे थोड़ी तकलीफ हो गई है जो भी हुआ होगा उसको पुलिस स्टेशन में ले आके लॉकअप के अंदर मारे कौन सा दहशत निर्माण करने का काम पुलिस ने की मालेगांव के अंदर ये प्रत्येक शहर के अंदर सब तरह हुआ खंडरवाल स्कूल की बात ले लो या तुम आजाद नगर सेक्शन के अंदर पूरे जितने मतदान केंद्र थे उसके अंदर ऐसा ही हुआ सिटी के अंदर भी ऐसा ही हुआ पवारवाड़ी के अंदर भी ऐसा ही हुआ और आयशा नगर पुलिस स्टेशन के अंदर ताज्जुब हुआ आज आपने पेपर में छापा ठीक है एक बाजू पुलिस की छापना जरूरी है आपको उसके अंदर कोई भी दो राय नहीं छापना भी चाहिए बिल्कुल अगर हमने कुछ गलत किया है मेरे भाई के ऊपर 353 और अनेक क्या क्या कलम डाले हुए ठीक है पुलिस अगर गलत किया है तो ये दंड भी होना चाहिए मेरा उसके अंदर कोई मत नहीं है लेकिन मेरे भाई की मिसेस नसरी मोहम्मद खालिद शेख मेरे भाई की मिसेस वहां पर मतदान एक बात तो और मैं तुमको स्पष्ट कर दूं जहां तक मुझे मालूम है हो सकते मेरी मालूम गलत भी हो ये 6 बज रहा है और समय खत्म हो रहा है तो जो तुमने ब्रैकेटिंग लगाया उसका बाउंड्री मार दिया या समझ लो एडीटी स्कूल है तो गेट जो मेन गेट है उसके अंदर जितने 6 बजे तक के है तुम ये गेट बंद करना चाहिए ये गेट बाहर से बंद करना चाहिए बाहर के लोगों को अंदर एंट्री नहीं देना चाहिए मैं समझता हूं निवडणूक आयोग का ये रूल है अब अंदर जो रहेंगे अगर वो वोटर है तो रात में 9 बजे भी तो उनको अगर रियल वोटर है ईमानदार वोटर है तो उनको उसको वोट देने का उसका हक है उसको देना चाहिए प्रत्येक मालेगांव शहर में क्या हुआ पूरे शहर के मेरे को एक किसी ने रीजन बताना क्या हुआ ये कि इन्होंने बूथ के जो दरवाजे थे वहीं से लोगों को बाहर निकाल दिया और बंद कर लिया 6 बजे यानी परसेंटेज गिरे मेरा ये बोलना है कि मेरी भाई की मिसेस गई थी मतदान देने के लिए और वो अंदर चली गई उनके बाउंड्री लाइन जो ब्रैकेटिंग लगाए थे उसके अंदर चली गई थी पुलिस ने रोक देना था अगर वो समय हो गया था तो पुलिस ने वो गेट पे क्यों नहीं रोकी मेरा पुलिस डिपार्टमेंट से सवाल है क्यों नहीं रोकी पुलिस वहां रोक लेना था रोके नहीं वो मतदान केंद्र के अंदर लाइन लगा के खड़ी हुई थी तो वो जो कांस्टेबल पुलिस ऑफिसर है जो कांस्टेबल है लेडीज पुलिस वो क्या बोलती है वो मुर्खे में थी मेरी भाई की औरत अब हमने तो हाथ खोला कांग्रेस में पिताजी मेरे वालिद के टाइम से हमने हाथ खोला जब से हम कांग्रेस का झंडा देख रहे घर में अब वो बुरखे के अंदर मेरे भाई की मिसेस गई वो कांस्टेबल क्या बोलती है भाजपा लौट जैसा कंवल लौट जैसा अरे तुम प्रचार कर रहे हो पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर गेट के ऊपर वोट देने का तुम बोल रहे हो भाजपा वोट देना फिर मेरा भाई आया वो भी था वोट देने के लिए उसने बोले अंदर जाएगा इसकी मतदान है बाहर रहे तो वहां पर मेरी भाई ने उसकी मिसेज को अंदर लौटा है कोई बाचा बाची कोई गाली गाली नहीं हुई ये सिर्फ वो शेख रशीद का लड़का है कांग्रेस का है पुलिस को अपनी कार्रवाई टाइट करना है सरकार को बताना देखो तुमने जो आदेश दिया उसका पालन किया इसके लिए 353 दाखिल की और वो लेडीज ऑफिसर के खिलाफ और पुलिस डिपार्टमेंट के खिलाफ में हमने अर्जी तैयार कर ली है मेरी भाई उसकी मिसेज के नाम से और वो लेडीज पुलिस की तकरार कल अगर छुट्टी रहेगी तो परसों मैं खुद मेरे भाई की टीवी को ले जाकर कलेक्टर धुलिया निवडणूक निर्णय अधिकारी को उसकी तकरार दूंगा पुलिस डिपार्टमेंट की तकरार देने वाला
इस तरीके का साफ सुथरा। और मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं कि कल मैंने दो मरतबा इवनलुक निर्णय अधिकारी धुलिया कलेक्टर को मैंने मेरे मोबाइल से फोन किया, कल दो मरतबा उनको मैंने फोन किया और तकरार दी पुलिस डिपार्टमेंट बड़ी मालेगांव स्कूल के पास, जय हिंद बैंक के पास से उन्होंने बैरकिंग लगा दी। ठीक है, इधर से जाने के लिए थोड़ा अंतर कम है, 64 नंबर स्कूल दत्तनगर के पीछे जाने के वास्ते उन्होंने बैरकिंग लगा दिया, पैदल जाओ। अरे वो दत्तनगर जाएंगे, दत्तनगर में से अंदर जाएंगे, अंदर के वास्ते वो पीछे स्कूल में जाएंगे, ये कौन सी पद्धति है तुम रोड रोकने की? मैंने फोन किया तो साहब ऐसा नहीं, जो मतदाता है तुम ऑटो में आ रहे या उनकी खुद की बाइक पे आ रहे या खुद की फोर व्हीलर पे आ रहे उनको जाने दो, तुम्हारी जो बॉर्डर लाइन है वो मतदान केंद्र की बॉर्डर अलग होना चाहिए, ये मतदान केंद्र की बॉर्डर अलग होना चाहिए, जान दो। जब मैंने फोन किया कि पुलिस डिपार्टमेंट यहां रोक रही है मतदाता को, उसके बाद मैंने फिर फोन किया कि भाई यहां पे ऐसा ऐसा हो रहा है, पुलिस गेट पे से रोक रही है, फिर मैंने उनको साथ में ये भी बात बोला हूं कि कल आप देखो कि कितनी साफ इलेक्शन हुआ या नहीं हुआ आप अंदाज लगा सकते हैं। नाग छाप झोपड़पट्टी का आपको इतिहास पता है कि जो आग लगी थी, कितने लोग के घर जल गए, वो बेघर हो गए, उनके मकान जल गए, उनके कोई डॉक्यूमेंट नहीं बचे, सामान नहीं बचा, कपड़े नहीं बचे, पैसे नहीं बचे, शादी का सामान नहीं बचा, पूरे शहर ने देखा, पूरे शहर ने बढ़ चढ़कर मदद किया उनको आग की। कल शेख उस्मान हाईस्कूल के अंदर उनका पेडिंग था, बूथ था, बूथ था शेख उस्मान हाईस्कूल के पास, बायदा कम से कम 700 से ज्यादा मतदान था उस बूथ के ऊपर, वहां के लोग ने मतदान देने के लिए आए, उनको स्लिप लेकर आए, उनके पंचनामा जो तलाटी महसूल डिपार्टमेंट ने पंचनामा किया, उन्होंने बोला कि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं बचा है, कोई पुरावा नहीं बचा है, ये तलाटी का पंचनामा है, आप हमको वोट देने दो, तो भी उसके बावजूद मैंने प्रांत को बोला, उसके बावजूद मैंने जिलाधिकारी धूले को बोला कि यार वो लोग वंचित हो जाएंगे, बोले नहीं डॉक्यूमेंट तो हम नहीं देने देंगे, और वो लोग कल वंचित हो गए, कल उन्होंने मतदान नहीं किया, बिगर मतदान के घर चले गए। कि कौन सा साफ इलेक्शन है, कौन सा क्लियर इलेक्शन हुआ, ये सब लोग जानबूझकर इन्होंने इस तरीके का वातावरण बनाया, और इस कारण है कि यहां मतदान कम हुआ है, और इसके अंदर महसूल डिपार्टमेंट, इसके अंदर प्रशासन की, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट की यूज हमारे लोग निर्णय अधिकारी ने किया, चाहे वो महसूल के हो, पीडब्ल्यूडी के हो या एक्सवाइजेड जो भी हो, उसका दुरुपयोग सरकार के दबाव के अंदर किया गया, और पुलिस डिपार्टमेंट का भी दुरुपयोग किया गया और जबरदस्त तरीके से किया गया, और बाकायदा सबूत भी मैं पेश करूंगा, इसके साथ में दो गवाह भी मेरी भाई की मिसेज के साथ दो गवाह भी लेके जाऊंगा, तो उसके सामने ये भाई ने पुलिस ने बोली कि बीजेपी को मतदान दो, और वहां पर दो तीन लोग और खड़े हुए थे, है ना, उनको पता नहीं था कि ये मेरा घर है, मेरे घर के मेरा खुद का मतदान उसमें है, तो ये सब चीजें हुआ। और मुझे तो बड़ा ताज्जुब हुआ उस समय पे, कल जब रात को मुझे आपके ही बिरादरी यानी आपके ही पत्रकार बंधु का फोन आया, जुनेद आलम का, कि साहब मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, बताया आप लोगों को नहीं बताया हूं बच्चे, मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं बोल रहा हूं कि कैसा दुरुपयोग हुआ। स्पष्ट निवडणूक आयोग का स्पष्ट आदेश था पत्रकार लोगों के लिए, गाइडलाइन तुम्हारे लिए बनाई गई थी कि तुम केंद्र में जाकर लोग किसको मतदान दे रहे उसका शूट नहीं कर सकते, ना फोटोग्राफी कर सकते, ना तुम शूटिंग कर सकते कि मैं कौन से उम्मीदवार को वोट दे रहा हूं, सिर्फ उतना तुम नहीं कर सकते। लेकिन छोटी मालेगांव स्कूल में डॉक्टर सुभाष भामरे जब आए तो जनता युवा न्यूज का जुनेद आलम जो तुम्हारे साथ बैठा है वो कैमरा लेकर अंदर गया, और वो अंदर वो कमरे में घूम रहे थे तो उसने शूटिंग कर लिया, तो वहां पर कोई पुलिस या होमगार्ड लोगों ने उसकी तख्ता को उसको हका ले, जबकि उसको वो
परमिशन उसको स्लिप दिया गया, उसको सर्टिफिकेट है, वो लेटर जो तुमको मिलता है अंदर जाने का इजाजत वो दिया गया, वो बोल रहे कि मैं अधिकृत हूँ अंदर आने का, मुझे अलाउड है। उसके बाद उसको बोला गया और उसके बाद वहां लोगों ने हटा दिया। उसके बाद क्या होता है कि रात में 8 बजे उसको भाई कहता बुलाया जाता है छोटी मालेगांव स्कूल के ऊपर, और उस एरिए के पुलिस ऑफिसर उसको माँ बहन की गाली पब्लिक के सामने देते समझाने के लिए बुला रहे, बातचीत करें। अब तुम उससे पूछ लेना। तो ये तुम्हारे ऊपर भी दबाने की कोशिश हुई पत्रकारों को और मतदाताओं को भी दबाने की कोशिश की गई है। ये सब चीज अगर आप देखेंगे तो मैं बिल्कुल स्पष्ट सब सबूत के साथ दावे के साथ मैं ये सब मैं बता रहा हूँ। जहां जहां जैसी जैसी घटना हुई है वैसा वैसा मैंने पूरा आप लोगों के सामने रखा हूं। मैं लास्ट मेरी बात बोलना चाहता हूं कि इसके अंदर साफ सुथरा इलेक्शन प्रशासन की तरफ से नहीं किया गया, इसके अंदर शंका है, इसके अंदर दुरुपयोग अधिकारियों का किया गया, दुरुपयोग जो लोग को इलेक्शन ले रहे थे उनका दुरुपयोग किया गया। इसके लिए मैं आज आप लोगों के सामने आकर, हम कांग्रेस के सब पदाधिकारी आकर आपके सामने, मीडिया के सामने, हम आपके माध्यम से बात पहुंचाना चाहते हैं मुख्य निवडणूक आयोग, अपर मुख्य निवडणूक आयोग महाराष्ट्र, निवडणूक निर्णय अधिकारी धुलिया कलेक्टर और प्रांत अधिकारी मालेगांव और पुलिस प्रशासन के श्रीमान निलंबर साहब तक, है ना, इनसे हम बात पहुंचाना चाहते हैं कि ये इलेक्शन बराबर नहीं हुआ। और मैं परसों हमारे शिष्टमंडल धुलिया सुबह 11 बजे जाएगा, कल निवडणूक निर्णय अधिकारी धुलिया कलेक्टर को एक निवेदन हम देंगे और हमारी डिमांड करेंगे कि मालेगांव मध्य की दोबारा पोलिंग कराई जाए और जितनी खामियां थी उसको वापस रिपेयर किया जाए, नीचे मतदान लाया जाए, फिर से स्लिप बांटी जाए, फिर से पूरा पारदर्शिता होना चाहिए, साफ सुथरा इलेक्शन होना चाहिए, ये हम डिमांड करने वाले हैं। इसके लिए आज की पत्रकार परिषद बुलाई गई थी।